हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना सिंह, आज के सिनेमा की आवाज़ और समरी ऑफ सिनेमा में मैं आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्विस्टर्स फिल्म का रिव्यू देने वाले हैं जो आज ही रिलीज हुई है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। ट्विस्टर्स एक 2024 की अमेरिकन डिजास्टर जॉनर फिल्म है जिसे ली आइज़ैक चंग ने डायरेक्ट किया है और फ्रैंक मार्शल एंड पैट्रिक क्रॉले ने प्रोड्यूस किया है। ये 1996 की फिल्म ट्विस्टर का स्टैंड अलोन सीक्वल है जिसमें डेजी एडगर जोन्स, ग्लेन पेवेल, एंथनी रेमोस स्टार कर रहे हैं। इस फिल्म में केट कूपर एक भयानक टॉर्नाडो यानी चक्रवात का सामना करने के बाद अपने दोस्त जावी के कहने पर वापस ओपन ग्राउंड में आती है जहां वो एक नए ट्रैकिंग सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हैं। वहां उसकी मुलाकात टेलर ओवेंस से होती है जो एक चार्मिंग लेकिन केयरलेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने स्टॉर्म चेजिंग एडवेंचर्स को शूट करता रहता है। जैसे जैसे तूफान तेज होता जाता है, केट, टाइलर और उनकी कम्पीटिंग टीम्स को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। ये फिल्म ओक्लाहामा में शूट करी गई है। पर्सनली एज अ बिग फैन ऑफ द 1996 ट्विस्टर, मैंने ट्विस्टर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, लेकिन मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। डेजी एडगर, ग्लेन पेवेल और एंथनी रेमोस लीड रोल्स में बहुत बढ़िया थे और सपोर्टिंग कास्ट भी जबरदस्त थी। स्टोरी लाइन ओरिजिनल वाली से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने आप में जरूर स्टैंड आउट करती है। विजुअल इफेक्ट स्टनिंग थे, CGI का काफी अच्छा ब्लेंड था और साथ ही में अमेजिंग साउंड ट्रैक भी था। इस फिल्म को मैं 4 out of 5 स्टार्स देना चाहूंगी। तो ये फिल्म तो आपको देखनी ही होगी। इस फिल्म का बेहतरीन और पूरा मजा उठाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये फिल्म आप IMAX पर ही जाके देखिए। तो वेल फ्रेंड, ये था ट्विस्टर्स फिल्म का रिव्यू। आपके लिए कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए।